हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभि गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूं खजुराहो की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर टेन पर है बेनी सागर डैम। बेनी सागर बांध खजुराहो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यह बांध खुदाड़ी नदी पर बनाया गया है। बांध के आसपास का हरा भरा वातावरण मन को शांति देता है। यह जगह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। आप लोग यहां पर प्राकृतिक वातावरण में आराम करने के साथ साथ पानी की अनेक गतिविधियों का मजा ले सकते हैं। नंबर 9 जैन म्यूजियम। जैन म्यूजियम खजुराहो में स्थित है। यह एक गोलाकार इमारत भी है। इस म्यूजियम में कई बहुत पुरानी जैन कलाकृतियां भी हैं। जैन म्यूजियम में जैन तीर्थकरों और यक्षों की विशाल मूर्तियाँ हैं। म्यूजियम जैन संस्कृति और परम्परा को दर्शाता है। नंबर 8 धूलादेव मंदिर। धूलादेव मंदिर खजुराहो में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में पार्वती के साथ भगवान शिव की एक अद्भुत मूर्ति है। यह मंदिर नारियों अप्सराओं की सुंदर प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 7 रनेश फॉल्स। यह पर्यटकों के लिए एक रोमांचकारी दर्शनीय स्थल है। मानसून के समय में यह झरना अत्यंत ही सुंदर लगता है। इस जगह की सुंदरता सिर्फ ये झरना ही नहीं बल्कि यहाँ की सुंदर चट्टानें भी हैं। गिरनर चट्टानों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो चट्टानों को ऊपर से काट दिया हो और ये चट्टाने टावर की तरह दिखाई देती हैं। नंबर 6 जवारी टेम्पल। जवारी मंदिर खजुराहो में आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर अपनी कठिन बनावट के लिए जाना जाता है। मंदिर का नाम यहाँ के जमीन के मालिक के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नंबर 5 पन्ना नेशनल पार्क। अगर आप जंगली जानवर को देखने के शौकीन हैं तो यह पार्क आपके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ आपको तेंदुए, बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घा आदि जानवर देखने को आसानी से मिल जाएंगे। इस पार्क में केन नदी भी है जिसमें बैठकर आप पूरे पार्क का मजा ले सकते हैं। आप पन्ना नेशनल पार्क में जीप सफारी का भी मजा ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस AH टूरिज्म इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 4 पार्श्वनाथ मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर आदिनाथ को भी समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरती से जैन धर्म के बारे में बताता है। मंदिर विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी आ गया है। नंबर 3 पर है मटंगेश्वर टेम्पल। मटंगेश्वर मंदिर खजुराहो के पश्चिमी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत शिवलिंग भी है। मंदिर शिव भक्तों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। नंबर 2 लक्ष्मणा टेम्पल। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का बहुत ही पुराना मंदिर है। यह मंदिर पश्चिमी खजुराहो में स्थित है। मंदिर का नाम उस समय के शासक के नाम पर पड़ा था। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति को दर्शाया गया है। और अब नंबर 1 पे है कांदारिया महादेव मंदिर। यह खजुराहो के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में 800 से भी अधिक मूर्तियाँ हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर संगमरमर से बना एक शिवलिंग है जो कि 646 मूर्तियों से घिरा हुआ है। यह यहाँ का बहुत ही अद्भुत दृश्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टूरिज्म प्लेस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।